नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल एशिया टेलीकॉम। ये हमारी मॉर्निंग की क्लास चल रही है, 8 बजे से क्लास चल रही है। मैं आपको बता दूं, ये हमारी प्रैक्टिकल क्लास चल रही है जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे सारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मैं आपको शुरू से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक ये क्लास अटेंड करते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिकल क्लास है जो कि 8 बजे से मॉर्निंग 8 बजे से क्लास चल रही है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और ये शाम के 8 बजे तक क्लास हमारी चलती है यहाँ पे। काम कर रहे हैं जो अभी तक आपको सेक्शन पढ़ाया गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, प्रॉपर। ठीक है, अभी आप क्या काम कर रहे हैं? अभी आप लाइट आईसी का सेक्शन पे ट्रेसिंग कर रहे हैं, उसकी चेकिंग कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, अभी तक आपने कितने सर्किट देखा लाइट आईसी में? लाइट आईसी में मैंने अभी इसका लाइट आईसी देखा है। हाँ, ईएन सिग्नल का सर्किट कितने बन रहे हैं? सर्किट इसमें मैं अभी जस्ट चेक कर रहा हूँ सर। अच्छा, सर्किट आप चेक कर रहे हैं कि कौन सा वाला सर्किट है? यस सर। ये हमारी मॉर्निंग क्लास है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और ये क्लास प्रैक्टिकल चल रही है क्योंकि थ्योरी दी जाती है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल, थ्योरी के साथ साथ ही प्रैक्टिकल दी जाती है यहाँ पे। चलिए अब मैं आपको बता दूं, एक हैंडसेट है जो कि उसमें सबसे पहले उसमें हाफ शॉट है। तो ये पहले अपना नाम बताओ और कहाँ से हो? चेतन गुप्ता, यूपी से हो। तो चलो, आपके पास एक सेट है, जो भी उसमें क्या कंडीशन है आप सारा चीज बताइए। हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल वे भी चलते हैं। तो सबसे पहले आप उसमें डीसी से कनेक्ट करिए और उसमें बताइए कि कंडीशन क्या बन रही है। डीसी में लगाते ही इसमें देखिए दोस्तों, हाफ शॉर्टिंग आ रही है, मतलब कुछ रीडिंग एम्पियर ये शो कर रहा है, 16-17 का ये पॉइंट ले रहा है। और यहाँ पे एक चीज दिखा दूं, इस फोन में एक व्हाइट लाइट आ रहा है जो कि डीसी से कनेक्ट करते ही इसमें व्हाइट लाइट आ रहा है। तो चलिए ठीक है, ये तो सबसे पहले हाफ शॉर्टिंग है। क्या है? हाफ शॉर्टिंग है सर, हाफ शॉर्ट है क्योंकि कुछ ना कुछ एम्पियर ले रहा है। तो अब इसमें हमारे स्टूडेंट वर्क करेंगे और इसमें देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैं फाइंड आउट करूंगा प्रॉब्लम को। इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि देखना हाफ शॉर्टिंग है कहां से। और आई स्कैनिंग सबसे मोस्ट क्या होता है इसमें? आई स्कैनिंग है सर। ठीक है, प्रॉब्लम है कहां से? ठीक है, करिए। मैं एक चीज बता दूं आपको, कभी भी आप किसी भी सेक्शन पे काम करें तो आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आई स्कैनिंग, कि कहीं से शॉर्टिंग हो सकती है, कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो सबसे मोस्ट होता है आई स्कैनिंग। तो आपने फाइंड किया हुआ है, आई स्कैनिंग किया हुआ है। अब इस पे हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ये अगर आपको प्रॉपरली जानना है तो आपको क्या करना होगा बताइए? चेतन, कहाँ आना होगा? कहाँ आना होगा? सीखना होगा तो यहाँ एशिया टेलीकॉम में सीखने के लिए आना होगा। अगर प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो क्या करना है बताओ? एशिया टेलीकॉम में आना होगा, तभी जाके आपको परफेक्ट नॉलेज मिलेगा और आपको सही लाइनों की ट्रेसिंग, हर एक लाइनें कहाँ से आती हैं, क्या होता है, ये आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो मैं दिखा दूँ, ये हमारे चेतन स्टूडेंट जो भी हैं ये अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे। वो पहले तो हाफ शॉर्टिंग क्लियर करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता है। शायद उन्होंने आई स्कैनिंग की हुई है और उनको मिल गया है जो भी हाफ शॉर्टिंग था। ठीक है, आप करिए। वसीम, आप कैसा लग रहा है यहाँ पे? आप बिल्कुल फ्रेशर हैं? यस सर। अब आप क्या सोच के आए थे और क्या मिल रहा है आपको? सर अच्छा, जो आप सोच के आए थे ऐसे टेलीकॉम, वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर ज्यादा मिल रहा है। आप फ्रेशर थे बिल्कुल भी? यस सर। अब आपको जैसे हम लाइट आईसीयू के बारे में पूछा जाए तो आपने सर्किट 1 सर्किट 2 देखा था, तो आप सारा चीज ट्रेस कर लेंगे। कोई भी फाइंड आउट हुआ, कोई भी लाइट सेक्शन से प्रॉब्लम हुई तो उसे कर लोगे? ठीक है, वेरी गुड।
यहाँ पे हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको एस आई टेलीकॉम ज्वाइन करना होगा और आपको एक परफेक्ट नॉलेज मिलेगा यहाँ पे। चलिए ठीक है दोस्तों, ये हमारे स्टूडेंट ने वर्क किया है आइस स्केनिंग की, तो बताओ चेतन आपने क्या क्या किया इसपे? सर इसमें मैंने ट्रेसिंग की और आइस स्केनिंग की, तो फिर देखा कि इसमें लाइट आईसी के पास शॉर्टिंग थी। लाइट आईसी के पास शॉर्टिंग थी, तो लाइट आईसी की शॉर्टिंग थी, आपने कंप्लेंट चेक किया होगा, जाहिर सी बात है हमें शॉर्टिंग मिली होगी, तो फिर आपने क्या किया? सर लाइट आईसी को मैंने चेंज कर दिया। लाइट आईसी को एक बार आपने चेंज किया, तो आईसी दिखाइए जो इसमें लगी थी। ये सर इधर रखा हूं मैं, आपको दिखा दूं दोस्तों, ये उसकी आईसी थी, 6 लेग की आईसी है, और ठीक है, तो आपने उस आईसी को क्या किया दिखाइए, वहां पे आईसी को दिखाइए। सर मैंने रिप्लेस किया है, ये आईसी को आपने रिप्लेस किया है। चलिए ठीक है, आप माइक्रोस्कोप में दिखा दीजिए, हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि आपने क्या वर्क किया है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए इन्होंने 6 लेग की आईसी लगी थी, जो इनको शॉर्ट मिली थी, क्या मिल रही थी? शॉर्टिंग थी सर। तो अब आप उसको शॉर्टिंग आपने हटा दिया है, अब डीसी से कनेक्ट करिए। अभी उस टाइम जैसे ही डीसी से लगाते हैं दोस्तों, तो ये एम्पियर्स तो ले रहा था, अब देखते हैं हमारा एम्पियर लेता है कि नहीं। आपने एम्पियर लगा दिया है, डीसी पे कनेक्ट कर दिया फोन को, देखिए दोस्तों अब हमारा शॉर्टिंग दूर हो गई। ये हमारी शॉर्टिंग तो दूर हो गई, अब इसमें देखते हैं फोन हमारा ऑन होता है कि नहीं। चलिए ऑन करिए, चालू हो रहा है सर। ये देखिए हमारा दोस्तों फोन तो ऑन हो गया, बहुत अच्छी बात है, बट क्या हो गया सर? डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही है। फोन तो हमारा ऑन हो गया है ना जी, फिर से ऑन करिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों कोई भी एम्पियर शो नहीं कर रहा है, अभी देखिए दोस्तों प्रॉपर सेट हमारा ऑन हो रहा है, तो चंदन के लिए बहुत जोरदार ताली हो जाए। और दूसरी चीज अब इसमें क्या हो रहा है चंदन? सर लाइट की प्रॉब्लम आ रही है सर, लाइट नहीं आ रही है, फोन ऑन हो गया। अच्छा फोन तो ऑन हो गया बट इसमें लाइट नहीं आ रही है, तो चलिए इसी के साथ साथ हम इसकी लाइट को भी फाइंड करते हैं, क्या करते हैं? तो लाइट को फाइंड करने के लिए, क्योंकि उन्होंने लाइट आईसी चेंज की है, क्या पता सही से लगाया है नहीं लगाया, अब लाइट आईसी की डिटेलिंग करते हैं, देखते हैं लाइट आईसी की डिटेलिंग में क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए ठीक है, तो आप उसको डीसी से कनेक्ट रखिए और उसके सभी पिनों के बारे में आप बताइए। जी सर, आप माइक्रोस्कोप में सेट करिए, हम यहाँ पे दिखाते हैं, आप सारा डिटेलिंग आप करिए। सबसे पहले क्या देखना होता है सर? सबसे पहले हमें तो देखना है कि इस पे वैल्यू आ रही है या नहीं। ठीक है, उससे पहले तो इससे पहले आपको सबसे पहले क्या देखना है इसमें? सर सबसे पहले नोट्स का पॉइंट देखना है सर, जो कि इसको थोड़ा रबड़ को और साइड करो, क्योंकि आपने चार्जिंग आईसी इसकी लाइट आईसी चेंज की है, अब देखते हैं वो प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये दोस्तों मैं बता दूं आपको, दिखाइए माइक्रोस्कोप में, चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये यहाँ पे लाइट आईसी लगी हुई है, अब इसका ये पूरा सर्किट डायग्राम बताएंगे बिना, क्या आपने सर्किट डायग्राम यहाँ पे रखा है क्या इसका? नहीं सर। अब बिना देख के सर्किट डायग्राम खुद बनाएंगे बताएंगे? जी सर। चलिए ठीक है, अब एक एक पिन से जो भी है आप बताइए, ये सर्किट कौन सा है सबसे पहले बताइए? सर सर्किट 2 है ये। ये सर्किट 2 है, ये आपको पता है, प्रॉपर नॉलेज दी गई है आपको लाइट आईसी के बारे में। चलिए ठीक है, तो अब आप बताइए सर, ये है ट्विजर से टच करके बताइएगा सर, ये है इसका नोज कट पॉइंट। वेरी गुड, इसका नोज कट पॉइंट है, फिर और ये होगा एनोड, एंटी क्लॉक वाइज चलेगा, क्या चलेगा? एंटी क्लॉक वाइज। तो पहले तो पूरा क्लॉक वाइज गिन दो उसको, कैसे क्या अकाउंट कर दो, 1 2 3 ठीक है, 4 5 6 वेरी गुड, अब पॉइंट है इसमें सर, ठीक है, जिसमें से ये होगा एनोड, उसके बाद होगा ये एनसी है सर, ये हमारा एनसी जी सर, ये ग्राउंड है, थर्ड वाली पिन क्या है हमारी? ग्राउंड है सर, ठीक है, फोर्थ सर, ये फोर्थ और ये सिक्स जो है ये कॉइल से कनेक्टेड है, बूस्ट कॉइल से कनेक्टेड है, वेरी गुड। अगर हमारा बूस्ट कॉइल सही है या खराब है कैसे चेक करोगे सर? इसको वीक रेंज में चेक कर सकते हैं, दोनों पॉइंटों को वीक रेंज में यहाँ रख करके। चलिए चेक करके बताइए लाइव प्रैक्टिकल, डीसी से डिस्कनेक्ट कर दो पहले,
दे हमारा कॉइल सही है कि नहीं है, हम आपको दिखाते हैं, चलिए चेक करिए। बीप आ रहा है? आ रहा है सर। चलिए ठीक है, अब हम इसकी सप्लाइयों को चेक करते हैं कि इनपुट आउटपुट कहां से क्या आ रहा है। तो एक बार फटाक से डीसी से कनेक्ट करिए फोन को, फोन को डीसी से कनेक्ट करिए। अब इस पे हम इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे, क्या क्या वोल्टेज चेक करना होता है बताओ सर? इस पे इनपुट चेक करना होता है और ईएन सिग्नल चेक करना होता है, और सर हमें आउटपुट देखना, आउटपुट देखना है कि हमारा एक्चुअल में आउटपुट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ईएन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और इनपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ये सारी वोल्टेज हम चेक करते हैं, अगर इनपुट नहीं आएगा तो भी दे देंगे कि नहीं दे पाएंगे? जी सर दे सकते हैं। और ईएन नहीं आया तो तब भी दे सकते हैं, और आउटपुट नहीं बना तब तो आईसी चेंज करनी होगी। क्या करनी होगी? या तो उस कंडीशन में आपका बूस्ट कॉइल खराब होगा या तो आपकी आईसी खराब होगी। क्या खराब होगी? चलिए तो माइक्रोस्कोप में आप लगाइएगा, मैं माइक्रोस्कोप में दिखा रहा हूं। चलिए आपने डीसी से कनेक्ट कर दिया है, अब सबसे पहले इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे। क्या करेंगे? इनपुट सर चेक करते हैं। ठीक है, तो इनपुट आपका, इनपुट आपकी कौन कौन सी पिन होगी सर? इनपुट हमारी ये दोनों पिन हैं, 6 और 4। ठीक है, चेक करिए वोल्टेज। हाँ यहाँ पे दिखाते जाइए, मैं इधर भी दिखा दूंगा। ये देखिए दोस्तों, तो ये हमारी वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज तो आ रही है, इनपुट वोल्टेज हमारा आ रहा है। अब हमें सेकंड क्या चेक करना है सर? वो तो इनपुट वोल्टेज आएगा ही क्या, क्योंकि हमारा बूस्ट कॉल से ये तो आएगा ही। देखिए आउटपुट वोल्टेज बना रहा है क्या? जी सर। आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट उधर डायोड पे चेक करो, उतना ही बना रहा है, पर हमारा एक 3 वोल्ट से क्या डिस्प्ले जल जाएगी क्या? नहीं सर। अब दिखाइए ईएन सिग्नल, दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, ईएन सिग्नल पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो ये फॉल्ट हमें मिल गया, फॉल्ट फाइंडिंग हो गई, मतलब हमारे ईएन पे वोल्टेज ही नहीं आ रही। क्या हो रहा है? तो क्या हमारा डिस्प्ले जलेगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे ईएन के लिए बाईपास करेंगे। क्या करेंगे? हम यहाँ से 1.8 वोल्टेज को बाईपास करेंगे और इसके ईएन वाले पिन पे देंगे, फिर देखते हैं कि हमारा वो सेक्शन काम करता है कि नहीं, हमारी लाइट जलती है कि। चलिए ठीक है, आप चेतन उसमें काम करिए, उसमें पहले डीसी से डिस्कनेक्ट करो। अब उस पे आपको पता है कि आपको कहां से बाईपास करना है? जी सर, मुझे ठीक है, कहां से मुझको करंट। अब उसको बाईपास दीजिए, 1.8 वोल्टेज दीजिए। जी सर। अब यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं, उसमें टच पे डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही है। पहला तो प्रॉब्लम हाफ शॉर्टिंग था, क्या था? हाफ शॉर्टिंग। अब उसमें देखते हैं टच में लाइट नहीं आ रही है, तो आप ये बताइए, सबसे पहले हमने तो हाफ शॉर्टिंग क्लियर कर ली। अब हाफ शॉर्टिंग के बाद हम देखते हैं कि उसमें लाइट नहीं जल रही थी, पहले तो हाफ शॉर्टिंग क्लियर हो गई। अब लाइट की हमने ट्रेसिंग की, तो आपको सारे सर्किटों का नॉलेज है? हाँ सर, सब नॉलेज है। सर्किट 1, सर्किट 2। हाँ, सर्किट 1 पे बताइए आउटपुट इनपुट क्या क्या होगा, बूस्ट कॉइल किन किन पिनों पे लगा होगा? 6 और 1। वेरी गुड, उसमें 6 और 1 में हमारी बीप आएगी, हम उसे ये चेक कर लेंगे कि हमारा बूस्ट कॉइल सही है कि नहीं है। अगर बीप नहीं आई तो आपको देख के बता देंगे कि सर्किट 1 है कि 2 है। हाँ, देख के बता सकते हो कि नहीं? चलिए बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या है, तो आप उसको देख के ये बता सकते हैं कि सर्किट 1 और 6 में अगर बीप नहीं आई तो हमारा बूस्ट कॉइल खराब है, और सर्किट 2 में किस पिन पे? 6 और 4 पे, तो हम बूस्ट कॉइल चेक कर सकते हैं बिना निकाले। हाँ, चेक कर आप बिना सर्किट डायग्राम के टेस्ट कर सकते हैं उसको। हाँ, कर सकते हैं कि कहाँ से इनपुट आउटपुट कैथोड की लाइन कहाँ जा रही है। हाँ सर, कर सकते हैं। तो अभी इसमें लाइट न जलने का कारण क्या था, रीजन? अभी लाइट न जलने का कारण वो शॉर्ट था, आईसी शॉर्ट था, हब शॉर्ट था। ठीक है, तो अब इसके लाइट ना जलने का कारण बताइए आप। उसको ईएन सिग्नल नहीं आ रहा था सर। ईएन सिग्नल नहीं आ रहा, तो आप ईएन सिग्नल को कहीं से बाईपास कर लेंगे? हाँ, कर सकते हैं सर। ठीक है, वो आपको पता है कि हमें वो ईएन सिग्नल को कहाँ से बाईपास करना है? उसको खाली 1.8 हमें वोल्टेज देना है सर। नहीं, खाली देना है, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी 1.8 दे दो, कहीं से नहीं दे सकते, जो एक्टिव सेक्शन आपको पता है। हाँ, कि वो वोल्टेज हमें कहाँ से देना है। ठीक है, वेरी गुड, ऑब्जर्वेशन लीक नहीं करना है, काम पे देना है। चलिए, ये हमारे चेतन काम कर रहे हैं वहां पे। मैं यहाँ पे दिखा दूं कि दोनों मिलेंगे? नहीं नहीं यार, अरे हाँ ये वाला जम्पर बस।
ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये देखिए इन्होंने एक जम्पर दे दिया है और इसके पिन पे जो था यहाँ पे एक जम्पर दे दिया है उन्होंने। अब देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने जो उसको 1.8 देना था 2.8 वोल्टेज हमने इसको बाईपास कर दिया। दोस्तों ये कहाँ से किया गया है ये हमारे इसे टेलीकॉम स्टूडेंट को पता है सारा चीज़। अब फ़ोन को ऑन करके दिखाइए, हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें लाइट आई कि नहीं आई। चलिए डीसी से कनेक्ट हो गया, कोई एम्पियर हाफ शॉर्टिंग नहीं हो रही है। फोन हमारा ऑन हो गया है और ये देखिए दोस्तों लाइट आ गई है, एमआई की लाइट ब्लिंक कर रही है, लाइट हमारी आ गई है, जॉब डन। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये आपको एकदम और भी क्लियर अगर जानना है आपको तो क्या करना है बताओ? ऐसा टेलीकॉम क्या करना होगा? और डिटेल से आपको चाहिए तो ठीक है। तो चलिए हमारा फोन तो ऑन हो गया है कम्प्लीटली, सब सही है। चलिए ठीक है, इनके चेतन के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दो। ठीक है, बता दूं ये फोन दोस्तों, मैं बता दूं जो ये सेट था, देखिए प्रॉपरली ऑन हो चुका है। दिखा दीजिए इसकी थोड़ा ब्राइटनेस इसकी बढ़ा दो, ये देखो प्रॉपरली ऐसा इसको पूरा वो कर दो। अच्छा इसमें एमआई अकाउंट वगैरह लगा है तो हम इस पे एफआरपी लगी हुई है। तो दोस्तों ये देखिए जो भी है ये सेट प्रॉपरली ऑन हो चुका है और लाइट भी आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके साथ कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? आवाज नहीं आई, मतलब लाइट सेक्शन को अच्छे से नहीं सीख पाए ऐसा नहीं लग रहा है। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? अब लग रहा है कि अब लाइट सेक्शन का काम कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो आपको मैंने प्रैक्टिकल जो भी दिखाया उस समय ब्लिंक हो रहा था। तो मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट कर दूं कि आप लाइट अगर ब्लिंक हो रही है तो चलिए ठीक है, ये मैंने आपको सलूशन दिया हुआ है कि अगर ब्लिंकिंग कर रही है तो सबसे पहले आपको क्या दो चीज करनी है। तो ये हमने डीसी से जो लगाया था तो ब्लिंक कर रही थी जी सर, फोन हमारा ऑन नहीं हो रहा था, पर हमने फिर बैटरी से ऑन किया। किससे ऑन किया? बैटरी से ऑन किया, परफेक्टली ऑन, परफेक्ट हमारा ये फोन ऑन हो गया और सारा चीज दिखा रहा है आपको। लाइट भी आ गई। सबसे पहले इसमें क्या था चेतन? इसमें शॉर्टिंग थी पहले, सबसे पहले इसमें हाफ शॉर्टिंग थी। एक डेड फोन था, क्या था? डेड फोन था। आपने चेक किया डीसी में लगा करके, ये हाफ शॉर्टिंग बन रही थी जी सर। फिर सेकेंडरी आपने हाफ शॉर्टिंग क्लियर करने के लिए क्या किया? सर मैंने लाइट आईसी को चेंज कर दिया। कैसे पता चला? आई स्कैनिंग क्या किया आपने? स्कैनिंग करके सर चेक किया तो उसमें शॉर्टिंग था। और ये प्रैक्टिकल मैंने किया कि आपने किया? मैंने खुद किया है। मैंने कोई हैंड स्किल किया हो, यूज किया हो? नहीं। मैं एक चीज और बता दूं, जो भी अपडेट है जो आउटपुट है वो हमारे स्टूडेंट का आउटपुट है। हम एज अ टीचर नहीं करते, हम भी कर, हम तो करने के लिए हम तो करेंगे ही, हम आपको गाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गाइड करने का काम। आप करना आपका काम है ठीक है। और सेकंड फिर आपने क्या किया? सर उसके बाद भी देख रहा था कि इन सिग्नल नहीं आ रहा था, वैल्यू नहीं आ रही। कैसे पता चला? आपने सर्किट, आपके सामने सर्किट रखी हुई थी क्या जी सर? कोई कंप्यूटर रखा हुआ था क्या? मैंने ट्रेस किया था सर। आपने ट्रेसिंग की? आपको सर्किटों का नॉलेज बिना सर्किट का है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल है। अगर यही मैं ये जो भी फोन है आप उसका सर्किट रखते तब तो आप बता पाते कौन सा ईएन है, कहाँ पे इनपुट है, कहाँ पे आउटपुट है। उसके बगैर भी चेक करके बताया, जैसा कि आपने डिटेल दी हुई है, ऐसा तो नहीं हमने बोला हो नहीं सर कि ऐसा ऐसा है? नहीं सर, वो मैंने खुद ट्रेस किया है जिसकी जानकारी। ठीक है, तो आपने देखा उसमें ईएन नहीं आ रहा था, तो ईएन को आपने क्या किया? सर बाईपास किया है। ईएन सिग्नल को हमने बाईपास किया। क्या किया? बाईपास। ठीक है, तो हमारी लाइट आ गई जी सर। ठीक है, और हमारा फोन प्रॉपर ऑन भी हो गया, गया। अब कहाँ से बाईपास किया, कैसे किया वो आपको पता है जी सर? मुझे पता है, उसको जानना है तो एशिया टेलीकॉम आना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।